हेलो विभान, जैसे कि सभी को पता है कि हम अपने बंसल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे प्रीवियस ईयर फिजिक्स के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। एचपी पीजीटी 2016 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं कि जो चाहते हैं कि हम पीजीटी फिजिक्स के लिए प्रिपेयर करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसके रिलेटेड कोई भी और वीडियो हम डेली के डेली अभी आएंगी तो वो आप तक पहुंच जाए। तो हमने लास्ट कल मतलब एक इसकी वीडियो हमारे चैनल पे जा चुकी है, तो इसकी आज हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमने एरिया फाइंड वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा? जो वॉल्यूम है वो इक्वल होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, ये क्या है? सारे वेक्टर्स हैं। आपको तीन वेक्टर्स दे रखे हैं। ठीक है, एजेस हूज एजेस दे रखी हैं, उन्होंने हमने यहाँ से वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहली चीज, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमें क्या देता है? वॉल्यूम दे देगा। ठीक है, तो यहां से इस फॉर्मूले से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? पहले हम फाइंड करेंगे बी क्रॉस सी, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे ए के साथ। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी देखो कैसे फाइंड होगा। बी क्रॉस सी किसी का भी क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम डिटर्मिनेंट यूज करते हैं। यहां पे आ जाएगा आई कैप, फिर जे कैप, फिर के कैप। आई बी के में देखो आई का कंपोनेंट क्या है? 1, जे का 2 और के का क्या है? -1। कोफिशिएंट लिखना होता है हमने। उसके बाद सी के कोफिशिएंट लिखो, आई का क्या है? 3, जे का है -1, के का है 2। ठीक है, अब हमने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। जो डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा? बी क्रॉस सी। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? पहले लिखेंगे आई। आई के लिए इसकी रो और इसी का कॉलम छोड़ देते हैं। जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, अगर आई लिख रहे हैं तो इसका ही कॉलम छोड़ दो, इसकी रो छोड़ दो, तो ये बचेगा। इन दोनों में क्या कर दो? क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब ऐसे करना है आपने। ठीक है, इन दोनों का ऐसे करोगे आप, 2 -1 -1 2। ठीक है, उसके बाद ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो फिर आ जाएगा नेगेटिव। उसके इसका ही रो छोड़ दो, इसका कॉलम छोड़ दो, तो ये वाले बन जाएंगे 1 3 -1 2। ठीक है, फिर आ जाएगा प्लस के कैप। के कैप के लिए इसी की रो छोड़ दी, इसी का कॉलम, तो ये वाले टर्म्स बच जाएंगी, तो 1 2 3 और -1 ये बन जाएगा। अब हमने करनी है मल्टीप्लाई। इन दोनों का कर दो, इन दोनों का कर दो और इन दोनों का कर दो। तो यहां से आ जाएगा आई कैप इसके साथ 4 -1 + एक और माइनस आता है, तो 4 -1 आ जाएगा। फिर माइनस जे, इनको करोगे 2 -1 + तो ये बन जाएगा +3। फिर आ जाएगा के कैप -1 -6। ठीक है, तो यहां से जब हम बी क्रॉस सी देखेंगे, बी क्रॉस सी हमारे पास क्या बनेगा? आई यहां पे क्या बना? 3। ठीक है, ये हमारे पास है -j, ये बन गया है 5। फिर प्लस के कैप यहां पे बन गया है -7। ठीक है, तो हमारे पास -7 है यहां पे, तो हमारे पास बी क्रॉस सी आ गया है। अब हमने निकालना है मतलब ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। तो ए डॉट बी क्रॉस सी करना है। ए लिखो क्या है? ए हमें दे रखा है 2i - 3j + 4k डॉट, यहां पे क्या आएगा? 3i - 5j और -7k।
ये है। अब डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, ए डॉट ए मतलब आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे वन होता है, के डॉट के वन होता है, और आई डॉट जे करोगे वो जीरो हो जाता है। तो मैं सिर्फ हम ये क्या है मेथड ही है कि जब भी हम डॉट प्रोडक्ट देखते हैं तो आई का आई के साथ कर दो, जे का जे के साथ और के का के के साथ, फिर क्या कर देना है प्लस कर देना है। तो आई का आई के साथ करोगे टू इंटू थ्री सिक्स, माइनस माइनस प्लस, थ्री इंटू फाइव क्या हो जाएगा फिफ्टीन, फिर आ जाएगा सेवन इंटू फोर ट्वेंटी एट और माइनस साइन आएगा। तो इसको कैलकुलेट करोगे ये कितना बन जाएगा सिक्स माइनस, इन दोनों को माइनस करोगे यहां से थ्री, ये बन जाएगा माइनस सेवन। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस सेवन, बट हमने क्या लेना है उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या बन जाएगा सेवन, तो यहां से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा है, कॉन्सेप्ट समझना है कि किसी का भी वॉल्यूम हमने कैसे निकालना है। तो माइंड में एक चीज रखना कि ट्रिपल प्रोडक्ट से हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होती है इसको बोलते हैं, ठीक है, इतनी चीज को क्या बोलते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ट्रिपल प्रोडक्ट से हम क्या निकालते हैं, ट्रिपल प्रोडक्ट से हम वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट अब डेली के डेली वीडियोस आएंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे पीजीटी के बैचेस भी चल रहे हैं ऑनलाइन, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए इसके रिलेटेड प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। थैंक यू सो मच।